हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर। कैसे हो आप सभी? एंड गाइस, काफ़ी टाइम के बाद भी लोग आ रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो बिकॉज हम 14 डेज का माउंटेरिंग का कोर्स कर रहे हैं इस टाइम मैक्लोडगंज में, माउंटेरिंग इंस्टीट्यूट में मैक्लोडगंज, और इंस्ट्रक्टर गाइड का कोर्स कर रहे हैं। और बाकी मैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होगी वो सभी आपको डे बाय डे बताऊंगा, क्या क्या प्रोसेस होता है, यानी कैसे हमको गाइड किया जाएगा, स्टडी कराई जाएगी, जो भी सिखाया जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरफुल एक्टिविटीज़ रहती हैं। और जो आज हमारी एक्टिविटीज़ होने वाली है वो होने वाली है रॉक क्लाइंबिंग की और रैपलिंग की। तो रॉक क्लाइंबिंग हमारी होगी, यानी एक रॉक पे होगी नेचुरल और एक होगी आर्टिफिशियल रॉक पे, तो दोनों होगी और काफ़ी यानी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा आज का व्लॉग। अभी काफ़ी कुछ देखोगे सीखोगे हमारे इन ब्लॉग से, और जिनको एडवेंचरफुल लाइफ पसंद है वो काफ़ी पसंद आएंगे उनको ये वाले हमारे ब्लॉग। तो फिर करते हैं स्टार्ट। और इस टाइम हम माउंटेरिंग इंस्टीट्यूट में ही है मैक्लोडगंज में, और अभी सुबह सुबह आप देख ही सकते हो यार, क्या ही मतलब अमेजिंग व्यू आ रहे हैं यहाँ के। तो करते हैं फिर हम अपना कोर्स स्टार्ट 14 डेज का, और जो भी मेरे से शूट हो पाएगा ब्लॉग कर पाऊँगा वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। तो फिर करते हैं हम स्टार्ट। बाकी कोई पार्ट यूज नहीं होगा, हील ही पे टो यूज होता है सबसे ज्यादा। टो क्यों यूज होता है? क्योंकि ग्रिप लाने के लिए नहीं। अच्छा, टो से मूवमेंट इजी रहती है। मैं ऐसे करके हूं ना, ठीक है। अब सपोज मेरे को होल्ड उधर है, तो अगर मेरा पैर ऐसे होगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसे होगा तो मैं इजीली शिफ्ट करके, देखो रीच बढ़ रही है ना, है ना। ये तुम्हारा बकेट होल्ड है। बकेट होल्ड, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आई एम फॉलिंग, तो देख लो जब भी फॉल होता है क्या बोलना है, आई एम फॉलिंग। I'm climbing. अब आपका क्या करना है, रोप करना है आपको। We'll be right back.
ये ऐसे क्यों करते हैं? कई बार ओवर हैंग होता है सर, मोहित भाई को समझाते हुए इससे एक अंदाज हो जाता है कि ऐसे नीचे से कोई मैसेज पास किया। इट्स मी, इट्स मी, आई एम क्लाइमिंग। सो इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं तैयार है जाने के लिए। आप देख सकते हो मोहित भाई को फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज के दिन का हमारा रॉक क्लाइंबिंग का पार्ट जो था, यानी एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग रहा। अपने मनोज भाई का भी कैसा रहा? मेरा भी काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट था, थोड़ा टफ था पर हो गया सेफ्टी के साथ। और यानी हमारे ग्रुप में 14 बंदे हैं, तो सभी यानी विदाउट कोई हार्नेस या इंजरी के सब ने एकदम इंजॉय करते हुए कम्प्लीट कर लिया। तो अभी वापस जा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट और लंच वगैरह करेंगे, देन आफ्टर क्लासेस वगैरह क्या लगेंगे लगाते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अभी हम रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में। और अभी सभी जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का दिन हमारा हो चुका है ख़त्म। और आज हमने करी रॉक क्लाइंबिंग नेचुरल, यहाँ इंस्टीट्यूट से थोड़ा दूर जाके, यानी जो नेचुरल रॉक थी उसके ऊपर विदाउट एनी मैकेनिकल गियर। और इंस्टीट्यूट में आके भी यहाँ पे हमने प्रैक्टिस करी वॉल पे विदाउट एनी मैकेनिकल गियर, यानी हुक वगैरह जो होते हैं वो नेचुरल, यानी हाथ वगैरह यानी नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो अभी कल हमारी प्रैक्टिस होगी आर्टिफिशियल,
तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जितने भी हमारे गेम्स वगैरह होती है, ओलंपिक वगैरह होते हैं, यानी उनमें भी ये गेम यूज़ की जाती है, और उसमें भी आर्टिफिशियल तरीके से यानी वॉल पे ही क्लाइंबिंग की जाती है, रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे कल और आपको दिखाता हूँ आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग कैसे की जाती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो भी हम यहीं अपने इंस्टीट्यूट में ही करेंगे और रैपलिंग भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।